दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरएससीआईटी री एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपका आरएससीआईटी पेपर किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया है तो आपके लिए राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड आरकेसीएल ने री एग्जाम की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से बैच के स्टूडेंट्स री एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपने एडमिशन अप्रैल 2016 या मई 2016, जून 2016, जुलाई 2016, अगस्त 2016, सितंबर या नवंबर 2016 में लिया है तो आप री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसी भी मंथ में अगर आपने एडमिशन लिया है और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है तो आप आरएससीटी री एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप सिंपल स्टूडेंट हों चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं है तो आप री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आरएससीटी वुमेन बैच, जो फ्री महिलाओं के लिए वुमेन बैच चलता है, उसके जुलाई 2016 के स्टूडेंट्स भी री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम का नाम आता है हमारी टेंशन बढ़ जाती है, हमको बुक्स वगैरह सब याद आने लगती है। लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप कूल रहें, काम रहें। ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है, जो किसी कारणवश आप नहीं निकल पाए तो आपके लिए फिर से एक मौका है, आप आराम से इजी वे में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेंटर से कॉन्टेक्ट करना है, क्योंकि आपको री एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना होगा, री एग्ज़ाम के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। हालांकि वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका सेंटर भर देगा, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ जाकर संपर्क करना होगा। इसी तरह से कुछ इसकी री एग्ज़ाम की फ़ीस है, वो भी आपको सेंटर पर डिपॉजिट करवानी होगी। री एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है कि स्टूडेंट डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सके। इसलिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए नेट पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सेंटर से कॉन्टेक्ट करना है, जहाँ आपने एडमिशन लिया था वहीं से आप री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर, हमारा सेंटर चेंज हो सकता है क्या? तो आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते, जिस सेंटर पर आपने एडमिशन लिया था वहीं पर आपको संपर्क करना है और वहीं से री एग्ज़ाम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट प्रपोज्ड है 7 मई 2017। जी हाँ दोस्तों, 7 मई 2017 एग्ज़ाम की प्रस्तावित डेट है, लेकिन ये केवल प्रस्तावित है, हो सकता है इसमें कोई चेंजेस भी हो जाए। इसके लिए आपको अपने सेंटर से संपर्क में रहना है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे आपको उसे ध्यान से याद रखना है, समझना है। ये डेट केवल प्रपोज डेट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अभी से एग्ज़ाम में लग जाएंगे, अपनी तैयारी में लग जाएंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। और आपको कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।